देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने यहाँ पे दो रंग का ऊन लिया हुआ है, एक थ्री प्लाई का है, एक नॉर्मल ऊन है। देखिए ये एक रेड कलर का है और एक यहाँ पे देखिए लाइट ग्रे कलर का है। तो ये थ्री प्लाई का ऊन है और एक ऊन नॉर्मल है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं 2 नंबर की सिलाई यूज करूँगी। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे फंदे को 2 के मल्टीपल रखे हैं, यानी 2 के गुणे के हिसाब से हमने यहाँ पे फंदे को रखा है। अब देखिए फंदे को यहाँ पे सॉरी डिज़ाइन का देखिए डिज़ाइन को रखने के लिए हमने यहाँ पे थोड़ी सी बॉर्डर कंप्लीट की है बना के दोनों साइड से उल्टा उल्टा, ताकि डिज़ाइन अच्छे से आए। अब देखिए बॉर्डर 3 से 4 सिलाई जितना भी आप लोग अपने प्रोजेक्ट पे डालना चाहते हैं उतना बना लें। पीछे की साइड से हम कलर चेंज करेंगे। तो पीछे की साइड से देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे सेकंड कलर लगा ले रहे हैं। कलर जब भी आप चेंज करें पीछे की साइड से चेंज करें। देखिए हमने यहाँ पे कलर चेंज किया पीछे की साइड से, सभी फंदे को हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बनाएंगे। हमें यहाँ पे 2 के मल्टीपल हमने यहाँ पे 38 फंदे रखे हैं। आप अपने हिसाब से जितना भी आपके आपको अपने प्रोजेक्ट पे डालना है आप अपने हिसाब से फंदे को रख सकते हैं। तो पीछे की साइड से हम सभी फंदे को उल्टा उल्टा बना के फिर आगे की साइड आते हैं। चलिए बना लेते हैं फिर आप लोग को दिखाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स हम आगे की साइड आ गए हैं। तो आगे की साइड से आपने क्या करना है, यहाँ पे हम देखिए एक फंदे को ऐसे उल्टा बना लिया, ठीक। एक फंदा हम ऐसे उतार लेंगे, ये देखिए, फिर एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा उतार लिया, एक फंदा हमने ये बना लिया, फिर से एक फंदा उतारा, एक फंदा बुना, यानी पूरी रो ये हमने यही करना है। एक हमने स्लिप करना है और एक नेट करना है, ये देखिए। आगे की साइड ये हमारा डिज़ाइन का पहला रो है। आगे की साइड से डिज़ाइन हमारी शुरू होती है। एक फंदे हमने यहाँ पे उतारना है और एक बुनना है। लास्ट में एक फंदा मेरा आया है तो इसको हम सीधा बना लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता रही हूँ जैसे वैसे ही डिज़ाइन बनाना है, क्योंकि इस ऊन में थोड़ी सी ये देखिए रेशा इसलिए समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए पीछे की साइड से हमने सीधा बनाया तो यहाँ पे उल्टा बनेगा आगे की साइड। अब देखिए जो फंदे फ्रेंड्स हमने यहाँ पे सीधे की साइड से बनाया था उल्टा, उसको पीछे की साइड से सीधा बनाएंगे, ठीक। और जो हमने फंदे उतारे थे उनको पीछे की साइड से देखिए, जो हमने फंदा उतारा है उनको पीछे की साइड से हम ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये हमारा इस साइड से उल्टा है पीछे की साइड से, ये देखिए। तो इसको हम ऊन को पीछे करके सीधा बनाएंगे, यानी जो फंदे हमने आगे की साइड से बुना है उसको हम पीछे की साइड से सीधा बनाएंगे। ऊन को अपनी साइड जो फंदे हमने उतारे हैं इसको हम उल्टा बनाएंगे, फिर ऊन को पीछे ले गए, जो हमने फंदा बनाया था आगे की साइड से उल्टा उसको पीछे की साइड से सीधा, और जो उतारा है उसको पीछे की साइड से उल्टा बनाएंगे। देखिए हमारा फंदा ये उतरा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर सीधा है, इसको हम पीछे की साइड से उल्टा बनाएंगे। बस यही आपने करना है फ्रेंड्स। फिर से उनको हम पीछे ले गए, इसको जो हमने आगे की साइड से बुना है उसको पीछे की साइड से हम सीधा बनाएंगे, बस यही करना है आपने।
ये रो हमने ऐसे ही कंप्लीट करनी है। एक बार और आप लोग समझ लीजिए, जो हमने आगे की साइड से फंदे को बनाया था उसको पीछे की साइड से हम सीधा बनाएंगे, और जो हमने उतारा था उसको पीछे की साइड से उल्टा बनाएंगे। बस यही करना है इस डिज़ाइन में, उनको आगे पीछे करके। ये देखिए, तो चलिए ये रो हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम ये डिज़ाइन बना के आगे की साइड आ गए हैं। अब आगे की साइड से हम इसी कलर का सेम पूरे फंदे को देखिए, हमने यहाँ पे सीधा सीधा बनाना है। ये देखिए, हम यहाँ पे पूरे फंदे को सिर्फ सीधा सीधा बनाएंगे, यहाँ पे कोई भी अभी हमने डिज़ाइन नहीं बनाना है। ये हमारी सिर्फ फ्रेंड्स दो सिलाई की डिज़ाइन थी। एक बार हमने एक फंदा बुना, एक उतारा, पीछे की साइड से हमने फंदे को उल्टा सीधा बनाना है बस। और अब देखिए, हम सभी फंदे को यहाँ पे सीधा सीधा बनाएंगे। सीधा सीधा बनाने के बाद पीछे की साइड से हमारा कलर चेंज होगा। तो चलिए इसको हम पूरा सीधा सीधा बना के फिर आप लोग को दिखाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, पीछे की साइड से हमने यहाँ पे कलर को चेंज कर लिया। तो इसमें देखिए, आप लोग को डिज़ाइन सही से नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे मैं बताई वैसे आप बनाइए। कैमरे पे क्लियर नहीं आ रहा है। अब देखिए फिर से हमने क्या करना है, देखिए एक फंदे को हमने ऐसे बुना, एक फंदा उतारा, यानी डिज़ाइन की पहले रो में आपने यही करना है। एक फंदा हमने बनाना है और एक उतारना है। पीछे की साइड से वही करना है, जो फंदे हम आगे की साइड से बुन रहे हैं उनको हमने उल्टा बनाना है, और जो फंदे हमने उतारा है उसको सीधा बनाना है। बस आपने यही ध्यान देना है। ये डिज़ाइन अभी लास्ट में आप लोग को पिक लगा देंगे कि बनने के बाद नॉर्मल ऊन में कैसी आती है। अब नॉर्मल ऊन में बनाएंगे, बहुत ही प्यारा खिल के आएगा। देखिए एक उतार रहे हैं हम लोग, एक बना रहे हैं, लास्ट में एक फंदा है इसको हम सीधा बना देंगे। देखिए फिर से हम पीछे की साइड हैं, पीछे की साइड से देखिए एक फंदे को हमने ऐसे उल्टा बना लेना है। अब देखिए इसको हम सीधा बनाएंगे क्योंकि आगे की साइड से इसको हमने बुना है। बस आपने यही करना है। जो हमने फंदे को आगे की साइड से बुना है, देखिए कितनी खूबसूरत डिज़ाइन बन के आ रही है। बस आपको यही रिपीट करना है। ये देखिए हमने उतारा हुआ फंदा है, तो इसको पीछे की साइड से उल्टा बनाएंगे। इस डिज़ाइन को आप चाहें तो मल्टी कलर में भी बना सकते हैं, जैसे आपके पास बचे कुछ ऊन हो तब पर भी इस डिज़ाइन को आप बना सकते हैं। इससे आप बेबी के लिए सॉक्स या उनके लिए स्वेटर, कार्डिगन, किसी भी प्रोजेक्ट पे आप इसे डाल सकते हैं। जेंट्स स्वेटर में नहीं, उसके अलावा किसी भी प्रोजेक्ट में आप इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं। इसको हमने उतारा है, तो पीछे की साइड से सीधा उल्टा बनाएंगे। ये देखिए, तो ये रो हम ऐसे ही कंप्लीट करते हैं। अभी देखिए फ्रेंड्स, हमने एक सिलाई यहाँ पे सीधी सीधी बना ली है, सीधे की साइड से। पीछे की साइड से फिर से हमने कलर चेंज करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस ऊन में बिल्कुल भी आप लोग को समझ में नहीं आएगा कैमरे पे, लेकिन नॉर्मल ऊन जैसे जो भी वो बिना रेशा का, उस पर कैसे डिज़ाइन बन के आएगी उसका पिक हम लगा देते हैं। फिर से अब हमने कलर चेंज करके सेम यही डिज़ाइन रिपीट करनी है बार बार आपको। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।